हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको रात में मिल रही हूँ सीधा, वो भी किचन में, जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ मेरे बन रहे हैं चावल। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सुबह से सबका मन था चिकन खाने का, बट मैं नहीं खा रही हूँ इसलिए कोई बोल भी नहीं रहा था कि चिकन खाना है जो भी है। बट पीयू ने ज़िद करी तो ये ले आए चिकन। और आज मैं आपको चिकन की रेसिपी बताऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ अपने तरीके से। और इनको दिखाऊँ, ये ना चिकन धो रहे हैं। इनको मैंने बोला कि आप ही चिकन धोगे, मैं नहीं धोगी, मैं बस बना दूंगी। ये देखो, हेलो ये देखो, ये चिकन धो रहे हैं। खालो खालो ज्यादा रोशनी आती है। चलो फिर इनको चिकन धोने देते हैं और मैं बनाऊंगी चिकन और आप सबके साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चिकन पहले धोने देते हैं, फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं। तो गाइस, आ गई है हमारी परी, फाइनली उठ चुकी है, अभी दादी के पास थी, ठीक है। और ये देख भी रही है, आप सबों को देख रहे हो, हाय बोलो। हेलो हेलो। और ये रही हमारी महारानी हेलो। और ये देखो, ये रही दूसरी महारानी, ये रही बड़ी महारानी। और आज हम खाएंगे स्पाइसी स्पाइसी चिकन। और बेचारी पूजा खा नहीं पाएगी। कोई हम तो खाएंगे ना यार, मैं बाद में खाऊंगी, कोई बात नहीं, चलता है। और ये मैंने सामान तैयार कर लिया है इसके लिए। ये तड़के के लिए लिया है मैंने 2 तेज पत्ते और ये 2 लाल मिर्च लिए, इसको मैंने तोड़ के रख लिया है। ये 4-5 प्याज थे जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और आपके पास अगर टमाटर हो तो टमाटर भी इसमें डाल देना, मेरे पास टमाटर अभी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है मैंने मटन की रेसिपी बनाई थी, तो उसमें बताया था मैंने कि मैंने क्या पूजा भूल गई है, तो ठीक है, मैं ना रियर कैमरा ऑन करता हूँ और उससे बनाता हूँ, क्योंकि ना सामने से मुझे पकड़ा नहीं जा रहा फोन। तो जैसा कि आपको पता है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखती हूँ, तो इसी चम्मच से मैंने आज भी बना के रखा हुआ था, तो इसी चम्मच से मैंने 4 चम्मच लहसुन अदरक और काली मिर्च जीरे का पेस्ट ले लिया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और परी रोने लग गई है, तो मैं परी को ना फिर से दादी के पास देकर आता हूँ, वरना हम वीडियो बना नहीं पाएंगे। तो परी को दे दिया दादी के पास, अब फिर चलते हैं हम किचन में। बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। चलो तो फ्रेंड्स, मैं परी को दादी के पास छोड़ के आ गया वापस किचन में। और अब देखते हैं पूजा क्या कर रही है। पूजा क्या कर रहे हो अब बताओ। सबसे पहले गैस ऑन करना है, ऑन कर दिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख देनी है, क्योंकि कढ़ाई में तो चिकन बनेगा। मैं कुकर में नहीं बनाती, कुकर में भी लोग बनाते हैं वैसे, कुकर में मैं नहीं बनाती हूँ। उसके बाद कढ़ाई को गर्म होने देना है, उसके बाद इसमें तेल डाल देना है। तेल करीब बड़े चम्मच से, आप 4 चम्मच डाल सकते हो। चिकन बनाना यार वैसे बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, सब बना सकते हैं। मेरे हस्बैंड भी बना लेते हैं चिकन, बहुत गंदा बनाते हैं। बनाया तो पापा ही बना लेते हैं। ये एक चीज बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं बता देती हूँ, अंडा ब्रेड। और चाय तो गजब के बनाते हैं, इतनी मस्त बनाते हैं, बट ये बनाते नहीं, भाव बहुत खाते हैं। थैंक यू। अब तेल गरम हो गया, तेल गरम होने के बाद इसमें हम मिर्च और ये 2 तेज पत्ते जो है वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम अपना ये पेस्ट डालेंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा प्याज को कटिंग करके फिर उसको भून के, फिर अलग से लहसुन अदरक डाल के उसको भून के, फिर मटन चिकन ये सब नहीं कर, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, साथ में सब डाल देती हूँ, उसके बाद सारे मसाले भूनने देती हूँ, उसके बाद बन जाता है। बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है मेरे तरीके से बनाना। और कमेंट ज़रूर करना, बताना मुझे कैसा बना, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ज़रूर करना प्लीज़। तो देखिए जैसा कि ये थोड़ा सा भुन गया है, उसके बाद मैं इसमें अपना ये पेस्ट डाल दूंगी। सारा का सारा पेस्ट डाल दिया,
देखा मुझे भी आता बनाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ पीछे से। ये जब मैं बनाती हूँ ना तो ये मुझे देखते रहते हैं, इसीलिए इनको आ गया थोड़ा बहुत। पीयू को भी आता है मेरी, है ना बेटा? बोलो मुझे खाना आता है। बोलो मुझे खाना आता है। अरे वाह, ये बाबू स्कूल हंस के जाती है, ये ट्यूशन में बहुत ज्यादा हंस के जाती है, खिलखिला के ए करती है ना। हां कल तो पीयू का ड्राइंग कंपटीशन है स्कूल में। हाँ, जैसे कि आपने कल देखा ही था, तू तो ए ग्रेड लेकर आई है सारे सब्जेक्ट में। और पता है आपको, जैसा हमें घर में लगता है कि ये पढ़ती नहीं है, बट हम जब गए मैडम के पास तो मैडम ने बोला इसकी तारीफ होके पुल इतने बड़े बड़े बांध दिए कि पूछो मत, ये बहुत अच्छा पढ़ती है, हर चीज में पार्टिसिपेट करती है और मतलब बढ़ चढ़ के आगे आती है, बोलती है मुझसे, बट मुझे विश्वास नहीं था। मैं मैडम से बोल रही थी, मैम रियल में? अरे हाँ हाँ सच्ची में। हाँ ये बात तो हमारे लिए भी शॉकिंग थी, क्योंकि घर में ना आप इसे कुछ भी बोलो, देखो जैसे मैं बोलता हूँ बेटा पानी की बोतल लाना, देखो कितना सोच रही है। एक तो पता है आपको, ये आलसी बहुत ज्यादा है। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। अपने पापा पे गई है ना, पापा की बेटी है। बोलो हाँ। हाँ। देखा तो देखिए, जैसे कि प्याज डाल दिया, अब इसी के साथ में इसमें लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा इन सबका पेस्ट डाल दूंगी। मैंने आपको बताया है मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज्यादा ताम झाम नहीं लगती, और वैसे भी आज मुझे खाना नहीं है तो मैं और भी सिंपल तरीके से बनाऊंगी। पनीर टेस्टी बनाती, बहुत ज्यादा मजा आता खाते हुए, मुझे खा लेते कभी भी। अब इसके साथ ही मैं ये सारे चीजें डाल दूंगी। ये सारा मैंने डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जो लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा है ये अपना एक पानी छोड़ता है, इसका जो पानी निकल जाएगा उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, और जो सारे और जो मसाले होते हैं वो तब डालेंगे। इसको हम मिक्स करने के बाद करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाने को छोड़ देंगे ढक के, ताकि ये पक जाए। और हाँ, मेरा ना एक और तरीका है बनाने का, वो मैं तब शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत सारे तरीके। जब मैं खाऊंगी तब मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। नहीं नहीं, मैं जल्दी शेयर करूंगी जब बनाएंगे। अब इसको थोड़ी देर ऐसी पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें अपने जो और मसाले हल्दी मिर्च मसाले बहुत सारे डालेंगे, तो इसको 3 से 4 मिनट हम ऐसे ढक के पका लेंगे। तब तक क्यों हम चलते दादी के पास, चलो देख कर आते परी क्या करती। मेरी मालिश हो रही है, मालिश हो गया, मालू यार देख लियो, कहा देख लियो, मालिश हो रही, मालिश आगे से तो हट जाओ बाबू, फिर तो दिखेगी नहीं पैरी। आप उस साइड जाओ, उस साइड से दिखेगी। आप इधर आ जाओ पैरी, का कर लियो तेल मालिच। तो प्योर मैं फिर से आ गया वापस, और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पर हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, इसको हमें ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाना है। किस पे पकाना है पियू? चलो देखो, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, आपको दिखाया था मैंने, और ये देखो साइड में कितना सारा पानी आ गया है, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें नमक और जो और हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा जितना आप डालते हैं। मेरा तो ऐसा चम्मच है इतना छोटा सा, इसलिए मैंने 5 चम्मच डाला है। और हल्दी डालेंगे, हल्दी का चम्मच भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो कितना छोटा सा। इससे मैं
दो चम्मच हल्दी डालूंगी। आप लोग जितना मिर्ची खाते हो, तीखा खाते हो तो तीखा डालना, ज़्यादा डालना, कम तीखा खाते हो तो कम डालना। हमारे घर में तो तीखा खाते हैं, मटन की रेसिपी तो आपने देखी ही थी, इसलिए मैं इसी चम्मच से 4 चम्मच मिर्च डाल रही हूँ। और ये हमने घर में पीसी है मिर्च, इसलिए तीखा ज़्यादा होता है, कलर कम देता है। और धनिया तो थोड़ा सा डालना है, सिर्फ इसी चम्मच से आधा चम्मच धनिया बस, क्योंकि काली मिर्च जीरा ये सबसे ज़्यादा अच्छा चिकन बनता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसको ढक देंगे और ढक के आधे घंटे तक आप ऐसे ही पकाते रहो, जब तक इसका तेल ना निकल जाए। जब साइड साइड में तेल निकल जाएगा इसका मतलब पक चुका है। तो चलो, और बीच बीच में हाथ चलाते रहना, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद ही खोलो, जल्द भून के राख हो जाएगा। तो आप लोग चलाते रहना और मीडियम फ्लेम रखना। तो चलो मैं भी इसको बनने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। तो देखो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुकी है और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंडीशन क्या है। देख, ये पहले पीला पीला दिख रहा था ना, अब थोड़ा सा आपको रेड रेड दिख रहा है ना, साइड में थोड़ा थोड़ा तेल आया, अभी पूरी तरीके से पका नहीं है, इसको 15 मिनट और पकाना है ढक के ही, ताकि अच्छे से पक जाए। जैसा कि मैंने कहा था आपको चलाते हुए पकाना है, वरना ये जल भून के राख हो जाएगा, तो आपको इसको चलाते रहना है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, आपने मेरी मटन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बता रखा है मैं बाहर का गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो चिकन के, मटन के लिए तो मैंने आपको बताया ही था मैं क्या यूज़ करती हूँ, चिकन के लिए मैं ये वाला मसाला यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, मैं मम्मी से पूछ के आपको बता दूँगी क्या है ये। तो इसको मैं पीसूँगी अभी, वैसे तो ये टमाटर पर अच्छे से पीस जाता है, बट टमाटर मेरे पास नहीं है तो मैं अभी इसको सिलबट्टे पर पीसूँगी। थोड़ा सा ही पीसना है, इससे ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, मैं इसका नाम आपको बता दूँगी। तो चलो पीस लेते हैं इसको। मेरा मेरा चुबट्टा इसको मैं धोलूंगी पहले। इसका एक पत्ता और बस इतना, देखो आप इतना ही पीसना है, इससे ज़्यादा नहीं पीसना, वरना गरम मसाला ज़्यादा डालो तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, आप सबको पता ही होगा। वैसे सिलबट्टे के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं ना खाने में, मुझे भी अच्छे लगते हैं, बट आजकल हम बहुत आलसी हो गए हैं ना, इसलिए हम मिक्सी का यूज़ करते हैं। मैंने ये गरम मसाला पीस लिया है और ये मैं लास्ट में डालूंगी। अब हम हमारा चिकन देख लेते हैं, इसको भी पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो ये अच्छे से पक गया है। इसको मिक्स करना है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, है ना? मुझे तो हर तरीके से अच्छा लगता है ये, चाहे ऐसे खा लो चाहे पानी वाला खा लो। एक काम करो, इसमें से थोड़ा भुना हुआ निकाल दो। ये जो हम जो पीस खाते नहीं है ना, ये वाले ऐसे वाले, ये ना भुने में खाना आप लोग, बहुत टेस्टी लगता है ये। और पानी डाल दो तो वैसे वो अजीब सा लगता है, दांत में फंसने लगता है, ऐसे नहीं फंसता है दांत में, ट्राई करना आप। बस अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे,
मम्मी को भी भूख लग चुकी है। अभी मम्मी चेक करने आई थी, बना नहीं कहा नहीं बना, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। हमारा मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें प्याज पीसा था, मैं उसी से पानी ले रही हूँ, करीब एक गिलास पानी होगा। अब इसमें मैं और ऐड कर सकती हूँ अगर मुझे ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा लगा तो, क्योंकि इसे मैं हम बॉयल आने तक भी पकाएंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यार कलर देखो, सब मस्त वाले कलर आ गए। देखो ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें गर्म मसाला भी डालना है और इसे थोड़ा सा और पकाना है। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया, इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने ये गरम मसाला पीसा था वो मैं सारा ऐड कर दूँगी इसमें। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके ये मिक्स कर दिया, और अब हम इसको ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे और हमारा रेडी है। और उसके बाद हम धनिया काट लेंगे, और धनिया काट के हम इसमें धनिया डाल देंगे। तो मैं इसमें धनिया काट लेती हूँ और फिर मैं डालूँगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर क्लिक करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आ सके।